standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेवलिंग भारत पर। जैसे कि आपको पता है, भारत के अंदर इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है। यह त्योहारों का सीजन अगस्त रक्षाबंधन से शुरू होकर मार्च होली तक चलता है। इस दौरान हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार रहता है। इन त्यौहारों के जरिए हम भारत और भारत की सभ्यता और संस्कृति को जान सकते हैं। भारत और भारत की संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मिट्टी के बर्तन। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों से हम पूजा अर्चना करते हैं। क्या हमने कभी जाना है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, और जो लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं उनके आर्थिक हालात किस तरीके से हैं? हम इस वीडियो के जरिए उन्हीं के आर्थिक हालात और मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं देखने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वहां जहां मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाएंगे। ये मिट्टी का ढेर आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखने से पहले मैं यहां का आपको नज़ारा दिखा दूं। ये मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनका परिवार सब एक साथ रहते हैं, और इनके घर के ऊपर खुद की छत नहीं है, ये त्रिपाल डालकर रहते हैं। ऐसी स्थिति अकेले इनकी ही नहीं, जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं लगभग सबकी स्थिति इसी प्रकार होती है। ये आर्थिक स्थिति से ज़्यादा मजबूत नहीं होते, तो कृपया करके जब भी आप मिट्टी का कोई सामान खरीदने जाएं तो इनसे ज़्यादा मोल भाव ना करें। चलिए शुरू करते हैं मिट्टी से बनने वाले बर्तनों की प्रक्रिया। पहले मिट्टी को अच्छे से कूट लिया जाता है। कूटने के बाद इसे बारीक छलनी में अच्छे से छान लिया जाता है, जिससे मिट्टी का कोई भी मोटा कण इसके अंदर ना रह जाए, कोई भी कंकड़ ना रह जाए। क्योंकि मिट्टी का जब कंकड़ उसमें रह जाएगा तो बनाते वक्त काफ़ी दिक्कत तकलीफ होगी। पहले अच्छे से मिट्टी को छान लिया जाता है, फिर कुछ समय के बाद इसको पानी में गलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी में गलाने के बाद इस मिट्टी को अच्छे से मठा जाता है, हाथों से पैरों से गूंदा जाता है, कहीं कोई इसके अंदर कंकड़ तो नहीं रह गया है। अगर कोई भी कंकड़ इसके अंदर रह गया होगा तो बर्तन बनाते वक्त वो बन नहीं पाएगा और टूट जाएगा। पहले इसको पैरों से खूंदा जाएगा, उसके बाद चाक पर रखने से पहले इसको एक बार हाथों से भी खूंदा जाएगा, इस तरीके से जैसे आटा मार रहे हों आप, आटा मारने के जैसा इसको किया जाएगा। ये अब इसको चाक पर रख दिया जाएगा। चाक पर रखने के बाद फिर भी इसको एक बार पानी से अच्छे से जमाया जाएगा। जमाने के बाद इस चाक को अच्छे से घुमाया जाएगा, उसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखिए आप इसको कैसे पानी से ये भैया सेट कर रहे हैं मिट्टी को, और अब तैयारी कर रहे हैं चाक को घुमाने की। ये इन्होंने चाक को घुमा दिया है, और ये स्पीड देखिए आप, फुल स्पीड से घुमा दिया है इस चाक को भैया ने, फुल स्पीड में घुमा दिया है। उसके बाद मिट्टी के दीपक बनने का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मिट्टी के कितने प्यारे तरीके से मिट्टी के दीपक बना रहे हैं, और ये सेट करने के लिए इनको छोड़ दिया है। और अब हम चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ ये भैया मिट्टी के छोटे छोटे मटके बना रहे हैं, जिसको आप अपनी भाषा में मिट्टी का कलश या लोटा भी बोल सकते हैं। इसको बनाते हुए देखिए आप, अलग ही आनंद आएगा देखने के लिए। जैसे जैसे ये मिट्टी का आकार ऊपर की ओर खींचते जाएंगे, मटके का शेप, ये लोटे का शेप बनता चला जाएगा। ऊपर से इसको घुमा दिया जाएगा, जिससे ऊपर की कनाट बाहर की तरफ घूम जाए और इसका लोटे का शेप या मटके का शेप आ सके। ये देखिए आप, ये लोटा बनके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मटके बनकर तैयार हो गए हैं। और खूबसूरती की बात तो एक देखिए कि कोई भी मटका एक दूसरे से ना तो बड़ा है, ना ही छोटा है, ना ही मोटा है और ना ही पतला है। ऐसा तजुर्बा और एक्सपीरियंस काफ़ी मेहनत के बाद मिलता है। ऐसा ही नहीं, आप मिट्टी के दीपक या कोई भी काम अगर इनका देखेंगे आप, तो सारा इक्वल साइज़ में होगा। हम चलेंगे दूसरी ओर, यहाँ ये भैया फुल स्पीड से चाक को घुमाने में लगे हुए हैं, और यहाँ ये बना रहे हैं मिट्टी का फैंसी दिया। दिया भी ऐसा
जो आपको देखकर तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि ये दिवाली का सीज़न है। सबको अपने घर पर कुछ ना कुछ एंटिक खूबसूरत फैंसी आइटम चाहिए होता है। ये दे दिया इन्होंने डिज़ाइन घुमावदार, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचेंगे इसको, इसका एक नीचे से स्टैंड बनाएंगे, स्टैंड बनाने के बाद इसको एक फैंसी डिज़ाइन देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर बनकर तैयार हो गया है, ऊपर फैंसी डिज़ाइन भी दे दी उन्होंने। अब ये इसको काट दिया कि हथियार से, इसको आगे से नोब बना दी है और ये फैंसी दिया बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ जी बाबूजी हमको कुल्लड़ बनाकर दिखा रहे हैं। कुल्लड़ भारत की संस्कृति में एक अलग ही महत्व रखते हैं। अब से नहीं, सदियों से लोग चाय पीने के लिए या दूध पीने के लिए कुल्लड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। आज इनकी जगह प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल के गिलासों ने ले ली है, पर जिसका टेस्ट आज तक नहीं बदला है वो है कुल्लड़। अगर आपने एक बार चाय या दूध कुल्लड़ में पी लिया तो यकीन मानिए दुनिया की किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में चले जाइए आप, आपको वो टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। अब तक तो हम देख रहे थे मिट्टी के कुल्लड़, पर अब देखिए मिट्टी का फैंसी ग्लास कैसे बनेगा। ये लंबा ऊपर की तरफ खींचते हुए और ये घुमावदार डिज़ाइन यहाँ से शुरू कर दी, ये डिज़ाइन दे दिया है और इसको भी नीचे से भी डिज़ाइन दे दिया है, ये देखिए आप। और इसको फिर से तेज़ तर्रार अपने धागे से काट देंगे, ये शुरू किया काटना, ये काट दिया, ये बनकर तैयार, ये फैंसी मिट्टी का दिया और ये कुल्लड़। सारा काम ख़त्म करने के बाद सारे मिट्टी के बर्तनों को और मिट्टी के दीपकों को तेज़ धूप में सूखने के लिए रख दिया गया है। कुछ देर धूप में रखने के बाद इन बर्तनों को तेज़ आँच में पकाया जाएगा। पकाने के बाद इनको बाज़ार में ले जाने के लिए तैयार किया जाएगा। ये मिट्टी के दिए पकने के लिए तैयार हैं और कुछ पकने के बाद को ये कुछ इस तरीके से देखेंगे और पकने के बाद इनको रेडी पर ठेले पर सजा दिया जाएगा बाज़ारों में बेचने के लिए। त्योहारों का सीज़न है तो ये इसी दौरान ये लोग इतना काम करते हैं और इनको समय नहीं मिलता है। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएँ। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।